नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे ओरियन ग्रीन पावर कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख से देखिए, आप लोग यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग वेबसाइट पे जाओगे तो आप इजीली यहाँ पे वैल्यूएशन भी चेक कर सकते हो और काफ़ी सारे डिटेल्स भी नज़र आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख से देखिए ओरियन ग्रीन पावर जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है अभी रिसेंटली। यहाँ पे आप देख से देखिए ओवरब्रॉट है या ओवरसोल्ड है उसके ऊपर भी हम लोग नज़र डालते हैं। रिसेंटली प्राइस देखोगे ओरियन ग्रीन पावर की 21.45 पे क्लोजिंग दिए एंड ऑफ द डे। मार्केट कैप जो है 2103 करोड़ मीन्स करोड़ का है। और रिसेंटली यहाँ पे आप लोग देख सकते कि ओरियन ग्रीन पावर में मीन्स 2019 में निवेश किया होता 1 लाख रुपीज़, तो उसका अभी 6.38 लाख बन जाता। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि 1 ईयर का रिटर्न 154% भी दिया है ओरियन ग्रीन पावर में। और यहाँ पे आप देख सकते कि जो पियर्स है यहाँ पे ओरियन ग्रीन पावर के साथ वो NTPC, अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते कि उनके साथ कंपेयर किया गया तो यहाँ पे आप देख सकते पिछले 1 साल में जो है ज़्यादा रिटर्न जो दिया है अदानी पावर में, और सेकेंड पे आता है ओरियन ग्रीन पावर ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बाकी के जो डिटेल है जैसे कि फंडामेंटल स्कोर भी नज़र डालोगे यहाँ पे आप देख सकते कि ROC 3.5, कंपनी साइज भी देख सकते हो, फिर प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर सकते हो। पीएस के साथ फंडामेंटली देखोगे तो यहाँ पे आप लोग नज़र डाल सकते हो। और उसी के साथ हम लोग वैल्यूएशन स्कोर देखेंगे तो वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पे रेड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड में आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर और यहाँ पे पावर सेक्टर ने। और उसी के साथ ओवरऑल देखा जाए कंपनी का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है 1.7 यहाँ पे, क्योंकि पी रेशो भी हाई, PV भी देख सकते हो, PS देख सकते हो, बाकी के डिटेल मार्केट वैल्यू वर्सेस फेयर वैल्यू भी देख सकते हो। फिर उसी के साथ करंट प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू मीन्स यहाँ पे आप देख सकते कि तो करंट प्राइस जो है कंपनी के वो रेड में है और फेयर वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए। ईबीटा भी देखोगे तो 7.93 होना चाहिए और ईवी सेल्स देखे जाए तो यहाँ पे 7.18, और जो प्राइस है कंपनी की वो तकरीबन 4.93 के करीबन फेयर प्राइस देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे हैं, मीन्स 335% अप देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इधर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पे ओरियन ग्रीन पावर के लिए।